हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ देवलीना। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कोल्हापुरी मिक्स वेज रेसिपी। अगर आप लोग मेरे चैनल को नए देख रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और ये जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये रेसिपी मेरा खुद का बनाया हुआ रेसिपी है। मैं इसका नाम क्यों कोल्हापुरी भेज मिक्स भेज रखा कि इसको मैंने कोल्हापुरी थोड़ा मसाला के साथ इसको मैंने खुद से मतलब गार्निश करके बनाया है, तो इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है मिक्स वेज कोल्हापुरी, या कोल्हापुरी मिक्स वेज आप बोल सकते हो। तो चलिए मैं इसको कैसे बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए इधर लिया है 1 कप फूल गोभी को, ऐसे काट करके रखा है मैंने। आप इतना छोटा सा गोभी यूज कर सकते हो। थोड़ा सा गाजर को मैंने ऐसे काट करके रखा है। बीन्स लंबा लंबा करके काट करके रखी हूँ मैं। एक बड़ा सा आलू को ऐसे काट करके रखा है। एक बड़ा साइज का प्याज को मैंने ऐसे क्यूब काट करके रखा है। एक बड़ा सा टमाटर को भी क्यूब काट करके रखी हूँ। और इधर 2 शिमला मिर्च को मैंने ऐसे काट करके रखा है। और इधर रखा है 2 हरा मिर्च। आप चाहे तो ज़्यादा हरा मिर्च यूज कर सकते हो। और हमें इसके लिए हमें चाहिए पनीर। पनीर को मैंने ऐसे क्यूब काट करके गर्म पानी में डुबो के रखा था 2 मिनट के लिए, फिर इसको छान के ऐसे रखा है मैंने। 1/2 कप मैंने इधर स्वीट कॉर्न लिया है। और 1 कटोरी मैंने चना लिया है इधर। और इसको मैं 60% बॉयल करके रखी हूँ। आप इसमें हरा मटर डाल सकते हो। और हमें स्पाइसेस में चाहिए 2 तेज़पत्ता, 2 सूखा मिर्च, 1 इंच करीब दालचीनी, 2 छोटी इलायची, हल्दी पाउडर, देगी लाल मिर्च पाउडर। ये है कोल्हापुरी कांदा लहसुन का मसाला, इसका रेसिपी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये है तीखा लाल मिर्च पाउडर और भुना हुआ धनिया जीरा पाउडर। तो अभी हम मसाला बनाएंगे, उसके लिए मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है और उसमें मैं डालूंगी 1/2 चम्मच सरसों का तेल। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो। तो ऑयल में मैं दूंगी थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा नारियल, लहसुन, और 1 टमाटर। और मैंने जो प्याज काटा था उसका ही जो एक्स्ट्रा जो निकल के आया है उसको भी ऐसे डाल दूंगी। और आप इसमें 1 इंच अदरक को भी फ्राई कर लीजिएगा। मेरे पास अदरक का पेस्ट हमेशा रहता है, इसलिए मैं इसमें अदरक फ्राई नहीं कर रही हूँ। तो अभी हम इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे हम। तो मसाला फ्राई हो चुका है, अभी हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे हम। तो हमने ऐसे एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है और अभी हम सब्जी को हल्का फ्राई कर लेंगे। तो मैंने उसी फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी। तो अभी हम आलू डाल देंगे और डालेंगे गाजर। तो दोनों को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा नमक मिला के हम फ्राई कर लेंगे तो जल्दी आलू और गाजर हमारा फ्राई हो चुका है। तो अभी हम इसको उतार लेंगे
और इसी ऑयल में हम अभी बीन्स और कैप्सिकम को भी थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, बीन्स और कैप्सिकम को ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। तो कैप्सिकम और बीन्स हमारा फ्राई हो चुका है, अब देख सकते हो ज़्यादा नहीं फ्राई किया मैंने इसको, थोड़ा सा ही छोटे कर लिया। तो अभी चलिए इसको भी उतार के रख देते हैं। तो इसी फ्राई पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा और तेल, आप इसको मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हो। तो अभी मैं इसमें फूलगोभी को भी फ्राई कर लूँगी। आप चाहे तो गोभी को गर्म पानी में थोड़ा उबाल के भी बना सकते हो बिना फ्राई करके। मैंने इसको पानी में, गर्म पानी में रखा था डुबो के, कि इसका अगर कीड़ा वीड़ा है तो निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा इसको भी ज़्यादा नहीं हम फ्राई करेंगे। तो गोभी भी हमारा छोटे हो चुका है, इससे ज़्यादा हम इसको और नहीं फ्राई करेंगे। आप देख सकते हो तो इसको भी हम अभी उतार के रख देंगे। तो मैंने इधर कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें मैं डालूंगी 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल में पकाने से इसका खुशबू और टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं डालूंगी थोड़ा सा चीनी। अगर आपके पास जायगरी पाउडर है तो आप जायगरी पाउडर डाल सकते हो। डाल दूंगी 2 तेज़पत्ता, सूखा मिर्च, 2 छोटी इलायची और थोड़ा सा दालचीनी। तो इस टाइम में इसमें 1/2 काटा हुआ प्याज डालूंगी और 2 हरा मिर्च। और अभी हम इसमें डाल देंगे जो मसाला का हमने पेस्ट बनाया था उसको। तो मसाला को अभी हम अच्छे से पका लेंगे। मीडियम फ्लेम में मसाला को हमें पकाना है। तो मसाला से ऑयल निकलना चालू हो चुका है, तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर, तीखा लाल मिर्च पाउडर, आप अपने हिसाब से तीखा दीजिएगा, देगी लाल मिर्च पाउडर, कोल्हापुरी कांदा लहसुन का मसाला, भुना हुआ धनिया जीरा पाउडर। और अभी हम मसाला को अच्छे से पका लेंगे 2 मिनट तक। तो अब देख सकते हो मसाला से ऑयल निकलना चालू हो चुका है। तो इस टाइम मैं इसमें बाकी का जो प्याज है वो भी डाल दूंगी और टमाटर डाल दूंगी। स्वीट कॉर्न, चना। तो अभी हम इसको डालने के बाद 2 मिनट इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे, ज़्यादा नहीं। इस टाइम मैं इसमें डाल दूंगी फेटा हुआ दही। मैं 4 चम्मच दही को बिना पानी मिला के फेट के रखा था और लो फ्लेम में दही को हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर हम हीट को, फ्लेम को ज़्यादा रखेंगे तो दही फटने का चांसेस रहता है, तो इसीलिए हम लो फ्लेम, एकदम लो कर दिया है गैस का फ्लेम को। और इसमें मैं डाल दूंगी जो सॉटे किया हुआ सब्जी था उसको भी। और सब्जी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे।
तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच नमक, और नमक को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए ढक के रख देंगे मीडियम फ्लेम में। तो अभी हम 5 मिनट के लिए अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। तो सब्जी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, और इसमें हम अभी डाल देंगे गरम पानी इस बाउल का, 2 बाउल गरम पानी हम डाल देंगे। और मीडियम फ्लेम में अभी हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। जब एक उबाल आ जाएगा तब हम इसमें डालेंगे पनीर। तो चलिए 5 मिनट बाद दिखाती हूँ एक सब्जी कैसे बना है। तो अभी सिर्फ 3 मिनट ही हुआ है, मैं इसमें डाल दूंगी पनीर को, और पनीर को हम हल्के से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद और 3 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे, और रेडी हो जाएगा हमारा सब्जी। तो 3 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो इसमें अभी मैं डाल दूंगी धनिया पत्ता, गैस को लो कर दूंगी इस टाइम। वन टीस्पून घी, और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। और अभी मैं इसको थोड़ा सा मिला लूंगी ऐसे करके, और 2 सेकंड के लिए ढक के रख दूंगी। तो 2 सेकंड बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो इसका कलर कितना सुंदर आया है, और इससे ज़्यादा हम गाढ़ा नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा, क्योंकि दही है और भी गाढ़ा हो जाएगा। इस रेसिपी को नान के साथ, रोटी के पराठे के साथ, यानी या पुलाव के साथ खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और घर पे एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।